हाय फ्रेंड्स, तो चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम यूपीजी के सीरीज के अंतर्गत यूपी के भौतिक विभाजन की बात कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के अलग होने से पहले उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया था, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया तो उसके बाद हमारा पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया, निचले तराई एवं भावर का क्षेत्र था वही उत्तर प्रदेश में बचा। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तीन प्राकृतिक प्रदेश शेष बचे हैं, भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भावर एवं तराई का प्रदेश की बात करी थी। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश की बात इस वीडियो में करते हैं। ये फ्रेंड्स, गंगा यमुना के मैदानों की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं कि कहां पर है गंगा यमुना के मैदान। इससे पहले वाली वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था, ये है हमारा उत्तराखंड और उत्तराखंड से लगे हुए ये जिलों में ये था भावर रीजन और इसी के नीचे सटा हुआ इलाका था तराई का रीजन। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से लगे हुए जो क्षेत्र हैं ये भावर है और इसके दक्षिण में तराई का क्षेत्र है। जैसा कि हम देख रहे हैं हिमालय से नदियाँ निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी यमुना नदी और इधर है गंडक नदी। तो यमुना नदी के पूर्व का क्षेत्र और गंडक नदी के पश्चिम का क्षेत्र, तो ये जो मिडिल वाला जो भी क्षेत्र है वो सब हमारा उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना के मैदान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला रीजन है उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान। तो जो ऊपर का क्षेत्र है इसको बोल देते हैं पश्चिम का गंगा का मैदान या ऊपरी गंगा का मैदान। उसके बाद जो बीच का भाग है उसको मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, उसको मध्य गंगा का मैदान, और जो निचले जिले हैं निम्न गंगा का मैदान कहा जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे। देखो, तो हमने जैसा कि देखा यमुना के पूर्व में व गंडक के पश्चिम में स्थित हैं। ठीक है, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई काप, कीचड़ व बालू से निर्मित हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी है उससे निर्मित हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया काप मिट्टी, क्या होती है? तो काप मिट्टी के बारे में एक सेकंड देख लेते हैं हम देख करके। काप मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी होती है, अलूवियल सॉइल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी मिट्टी होती है? तो नदियों के द्वारा जो बहा करके लाई जाती है और जगह जगह इकट्ठी मैदानों में कर दी जाती है तो वो काप मृदा कहलाती है। भारत के लगभग 40% क्षेत्र मृदा पाई जाती है। औसत ऊंचाई 80 से 300 मीटर तक है। ढाल किधर है इनका? तो ढाल है पश्चिमांचल, यानी कि अभी मैप के माध्यम से हम देखेंगे पश्चिमांचल यानी जो पश्चिम के प्रदेश हैं उधर में ऊपर से नदियां आती हैं तो उत्तर की दक्षिण की तरफ ढाल रहता है, जबकि हम पूर्वांचल की तरफ जाते हैं तो नदियों का ढाल जो है इस तरीके का हो जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ हो जाता है। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो गेहूं, धान एवं आलू मुख्य फसलें यहाँ की होती हैं, साथ साथ गन्ना भी उपजाया जाता है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेशों का निर्माण अभिनूतन एवं अतिनूतन समय में हुआ। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके बाद का जो काल है तो उसमें जब हिमालय से नदियां निकल रही थी तो वो नदियां जो मिट्टी बहा करके लाईं उससे हमारे गंगा यमुना के मैदानी भागों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो नदी घाटी में अपसादीकरण मतलब अवशेषों के जमा होने से, जो मिट्टी यहां आकर के जमा हुई उसके अपसादीकरण से इन मैदानों का निर्माण हुआ अभिनूतन एवं अतिनूतन युग में। मैदानी क्षेत्रों के निक्षेपों को हम दो भागों में बांटते हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि खादर और बांगर क्या होता है। पहला है खादर या कछार बोलते हैं और दूसरा है बांगर। ठीक है, निक्षेप मतलब जो मिट्टी यहाँ आती है जमा होती है तो वो गंगा के मैदान के निक्षेप हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र के निक्षेप हैं, उनको हम खादर एवं बांगर दो में बांट देते हैं। ठीक है, तो खादर क्या होता है? तो नवीन काप मिट्टी से निर्मित मैदान जो है खादर कहलाते हैं, यानी जो नवीन मिट्टी जमा होती है वो खादर कहलाते हैं। ये नदियों के तट पर, डेल्टा एवं बाढ़ के मैदानों तक फैले होते हैं और कृषि के लिए ये अच्छे माने जाते हैं। बांगर क्या होता है? तो यहाँ पर नवीन गलत लग गया, यहाँ लिखेंगे प्राचीन। ठीक है, प्राचीन, तो प्राचीन काप मिट्टी से निर्मित मैदान है। ठीक है, बांगर क्या है? पुरानी मिट्टी से निर्मित मैदान है। मैदानी क्षेत्रों का सर्वाधिक भाग होता है, यानी कि ज़्यादातर जो विस्तृत क्षेत्र है वो बांगर क्षेत्र हैं। खादर क्षेत्र बहुत कम मात्रा में होता है क्योंकि ये नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है तो इसलिए कम होता है। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं, ऐसा नहीं है उपजाऊ होते हैं लेकिन खादर की अपेक्षा थोड़े कम उपजाऊ होते हैं। कैल्शियम मिट्टी की इनमें अधिकता होती है। इस मैप में आप देख रहे हैं ये नदी आ रही है। ठीक है, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो है खादर। ठीक है, यानी कि ये है नवीन जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, और जो दूर का क्षेत्र है वो है बांगर। ठीक है, बांगर क्या होता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ जमा हो रही है वो बांगर है। जब दो नदियाँ मिलती हैं
तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो दुआब, तो ये हमारे यमुना नदी है, ठीक है। मैदानों की जो सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है वो यमुना नदी बनाती है, और इधर जो पूर्वी सीमा निर्धारित करती है वो गंडक नदी करती है। इनके बीच में जो मैदान जो क्षेत्र फैला हुआ है वो हमारा उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का मैदान कहलाता है, ठीक है। तो ये गंगेटिक प्लेन लिखा है, गंगा का मैदान, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी नदियाँ गंगा का मैदान बना रही हैं, तो ये यमुना हो गई, ये गंगा हो गई, ये रामगंगा हो गई, गोमती, शारदा, ठीक है, ये घाघरा हो गई, इसके बाद राप्ती और ये गंडक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो यमुना और गंडक के बीच का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र है। अगर हम बात करें इनका जो बहाव है तो वो पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, जबकि पूर्व में ये ढाल इस तरीके से होता है, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर होता है। मैदानी क्षेत्रों को तीन उपभागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। कौन कौन से? तो गंगा यमुना के ऊपरी मैदान, ठीक है, ऊपरी या पश्चिम के जो मैदान हैं, उसके बाद गंगा यमुना के मध्य मैदान, ठीक है, और गंगा यमुना के पूर्वी या जो निचले मैदान हैं। इसमें आपको जूम करते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ऊपरी गंगा का मैदान, ये है गंगा का मध्य मैदान, और ये है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। तो इस तरीके से तीन भागों में इसको बांटा जा सकता है। अब ऊपरी गंगा के मैदान जो हैं वो उत्तराखंड से जो लगते हुए सीमा के क्षेत्र हैं, साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं उनमें पड़ता है। इसका विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना का मध्य मैदान, तो इसका विस्तार अब जो उत्तराखंड से हमारा उत्तर प्रदेश में जब नदियाँ प्रवेश शुरू कर देती हैं तो उसके बाद का जो क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली जिलों में ये पड़ता है, ठीक है। अगर हम गंगा के पूर्वी मैदान की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जैसे वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और संत रविदास नगर में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे हौसले को ऐसे ही बनाए रखने के लिए अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।